हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गर्मियों के मौसम की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, वो भी खास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आइए विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट द टेस्टी रेसिपी। दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक कटोरी उड़द की दाल, बिना छिलके वाली उड़द की दाल है जिसे हम उड़द की मोगर भी बोलते हैं। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी बर्तन ले सकते हैं, जिस बर्तन से आप उड़द की मोगर लेते हैं उसी बर्तन से आपको मूंग की मोगर भी लेनी है। सेम उसी कटोरी से आपको आधी मूंग की मोगर लेनी है, जितनी उड़द की दाल उसकी आधी मूंग की दाल। इसे अच्छे से 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से 2 से 3 गिलास पानी डालकर इसे अच्छी तरह से बर्तन को भर लेंगे पानी से और इसे ढक्कन लगाकर फ्रिज में ओवरनाइट रख देंगे इसे भीगने के लिए। हम बाहर इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी का मौसम है, आपकी दाल ख़राब हो सकती है, इसलिए हम इसे फ्रीज में रखेंगे रात भर। नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि हमारी दाल जो है पानी में कितनी अच्छी तरह से भीग चुकी है, कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी है हमारी दाल। अब इस पानी को हम अलग कर लेंगे और 2 से 3 बार इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे फिर से। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राइंडर जार लिया है। अब 2 राउंड में हम इसे पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बनाएंगे। आप एक साथ डालने की गलती बिल्कुल ना करें क्योंकि उड़द और मूंग की मोगर जो है बहुत ही मुश्किल से पिसाती है, क्योंकि हम इसके अंदर पानी का यूज़ बहुत ही कम क्वांटिटी में करते हैं। और पानी का यूज़ हम बहुत ही कम क्वांटिटी में क्यों करते हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे चल कर बताऊँगी। ये देखिए, मैंने 1 राउंड में दाल को पीस लिया है और मैंने इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पर दाल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं ली है, इसलिए मैं बाकी बची हुई दाल को भी इसी के अंदर डालकर दोबारा से इसे पीस लूँगी, अच्छा फाइन पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो 1 राउंड में इसका फाइन पेस्ट बनाकर अलग बर्तन में निकाल सकते हैं, 2nd राउंड में आप इसी प्रोसेस को दोहरा सकते हैं। यहाँ पर पानी का टोटल यूज़ मैंने आधे से 1 कप के करीब किया है क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा नहीं डलता है, ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपका बैटर जो है वो ख़राब हो सकता है, इससे आपके बड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और क्यों नहीं बनेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी जारी ली है, या फिर आप ये कह सकते हैं मैंने बड़ा सा जारा लिया, इसके अंदर इस पेस्ट को मैं छान रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप पहले से बहुत ही फाइन पेस्ट बना लें तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी जो दरदरी से दाल रह गई है बस उसको अलग करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इस चीज़ को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बस ये करने से आपको नुकसान भी कुछ नहीं होगा, फ्लफी से अच्छे से बड़े बनकर रेडी होंगे। ये देखिए, मैंने 1 बर्तन में 1 से 2 लीटर का करीब पानी ले लिया है और बैटर में और पानी में दोनों में 2-2 पिंच के करीब मैं यहाँ पर हींग डाल रही हूँ। हींग से आपके बड़ों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और दोनों ही चीज़ों में, बैटर और पानी में, 1-1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। हींग और नमक दोनों में इक्वल क्वांटिटी में करना है, बैटर के अंदर भी और पानी के अंदर भी। पानी के अंदर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे और इसे साइड में रखेंगे। और बड़ों की खास टिप ये है कि आपको बैटर को इतने अच्छे से फेंटना है एक ही डायरेक्शन में, जब तक कि आपका बैटर काफ़ी फ्लफी ना हो जाए, और 5 से 7 मिनट तक इस प्रोसेस को आपको दोहराना है, क्योंकि जितना आपका बैटर फ्लफी होगा उतना ही आपके बड़े भी फ्लफी बनेंगे। आप देखेंगे फेंटते फेंटते आपका बैटर जो है काफ़ी हल्का हल्का सा फील होने लगेगा आपको, और जब तक ऐसा ना हो तब तक आप बैटर को फेंटते रहें। ये देखिए, अब मेरा हाथ भी दुखने लग गए हैं और काफ़ी अच्छे से हमारा बैटर जो है फूल गया है, फ्लफी सा हो गया, हल्का हो गया है। बस अब मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। बड़े बनाने की खास टिप एक और यह है कि हमारा ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब खोलता हुआ तेल नहीं होना चाहिए, वरना हमारे बड़े जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। थोड़ा सा बैटर डालकर हम हमारे ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे। देखिए, जैसे ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बैटर डाला है, हमारा बड़ा जो है एकाएक फूल कर ऊपर नहीं आया है, बस हमें यही टेम्परेचर चाहिए। एकाएक फूल कर अगर ऊपर आ जाएगा तो हमारे बड़े जो है ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस कुछ सेकंड बाद आपका बड़ा जो है वो ऊपर आना चाहिए, यही हमारे सही ऑयल गर्म होने की पहचान है। देखिए, कुछ ही सेकेंड्स में आप देखेंगे हमारे बड़े किस तरह से ऑटोमेटिक अपना शेप लेकर ऊपर आ रहे हैं, ऊपर किस तरह से ये फेर रहे हैं तेल के अंदर, मतलब हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यही इसकी पहचान होगी। आप 1 राउंड में जितने बड़े डाल सकते हैं उतने डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं डालना है, इसको स्पेस भी चाहिए होगा फूलने के लिए। आप बड़ों को जब तक अलट पलट ना करें तब तक कि ये थोड़े से एक तरफ से फ्राई ना हो जाए।
अगर आप कच्चे बड़ों को ही अलट पलट करना शुरू कर देंगे तो आपके बड़े जो है फूट सकते हैं, इसके अंदर ऑयल भर सकता है। ये देखिए हल्के हाथ से बिल्कुल इन्हें अलट पलट करते रहें। अगर थोड़े से बड़े इधर एक दो चिपक गए हों इधर से उधर, तो आप उन्हें इस तरह से चम्मच की हेल्प से अलग कर लें। और ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप इसके अंदर ज़्यादा बड़े डाल देते हैं, इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा बड़े एक ही राउंड में ना डालें, थोड़े थोड़े करके डालें। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप चार पांच बड़े इसके अंदर डालें। ये देखिए हमारे बड़े कितने अच्छा सा कलर आ गया है इनके ऊपर, बस इस तरह का गोल्डन कलर आ जाए और आप इन्हें बाहर निकाल लें, बस ये इसकी सही पहचान है। इस तरह का सुनहरी कलर आ जाना चाहिए। देखिए हमारे बड़ों का शेप कितना अच्छा आ गया है। अब इन्हें फटाफट से बाहर निकाल लेंगे और इस पानी के अंदर डाल देंगे जो कि हमने पहले से बनाकर तैयार कर लिया था, ये हींग और नमक का पानी। गरम गरम बड़ों को पानी के अंदर इसलिए डाला जाता है ताकि हमारे गर्मा गर्म बड़े जो है वो पानी को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। आपको बड़ों को निकालते से ही इस पानी के अंदर ही डालना है। देखिए सेकंड राउंड के बड़े भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। देखिए हमने ऑयल को हाई फ्लेम पर नहीं किया है, ये मीडियम गर्म ही है। और सेकंड बेच में आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े फटाफट से ऊपर आ रहे हैं, मतलब हमारा टेम्परेचर जो है वो एक जैसा है। ये देखिए एक का एक ये लाल नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे करके इनका कलर चेंज होगा और किस तरह से अपना शेप लेकर ये ऊपर आते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं ये। बस धीरे धीरे करके आप इस तरह से सारे बड़े डालते जाएं। और आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि आपका बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, वरना आपके बड़ों का शेप बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और ना ही आपका बैटर जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, वरना आपके बड़े जो हैं गर्म तेल के अंदर जाकर फूट सकते हैं। आपके बड़े कैसे बनेंगे ये डिपेंड करेगा कि आपने बैटर जो है वो कैसा बनाया है। अगर आपके बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होगी तो आपके बड़े भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। देखिए हमारे बड़ों का कलर कितना प्यारा आ गया है, कितना सुनहरा कलर आ गया। बस फटाफट से हम इन बड़ों को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इनका शेप, ये मैंने हाथ से बनाया है, फिर भी कितने अच्छे से राउंड राउंड हो गए हैं। आप चाहें तो इसे चम्मच की हेल्प से भी बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। कि देखिए फर्स्ट बार के बड़े जो है उनका कलर आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है, क्योंकि इन्होंने पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। और सेकंड राउंड के बड़े भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छी तरह से आपको पानी के अंदर इन बड़ों को डुबोना है ताकि ये काफ़ी स्पॉन्जी हो सके और हींग और नमक का पानी इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब ये कर सके। इसी से आपके बड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। बस आप इन्हें खाने की जल्दी ना करें, लगभग आधे घंटे के लिए इस तरह से इसे ढककर रख दें। उसके बाद घंटे भर के लिए आप इसे फ्रीज में रख दें ताकि आपके बड़े बहुत ही टेस्टी लगे। अब यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी और रेड चटनी ली है, ये वही ग्रीन चटनी है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी इसकी रेसिपी। अब यहाँ पर मैंने आधा लीटर बिल्कुल फ्रेश दही लिया है और 3 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये चीनी पाउडर। आप चीनी को पीस कर इसके अंदर डालें ताकि आपका दही जो है फेंटने से पतला ना पड़े। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। जी हाँ, इसमें आप नमक ज़रूर डालें, इससे आपके बड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। दही के अंदर ही नमक को आप मिक्स कर दें। अब आपकी सारी चीज़ें रेडी हैं। अब 1 घंटा हो गया है बड़ों को, आप देख सकते हैं हमारे बड़ों का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और काफ़ी साइज़ में बड़े हो गए हैं। मैं आपको एक फोड़ कर बताती हूँ, ये देखिए कितने रसीले कितने स्पॉन्जी हो गए हैं ये। अब ये देखिए आप इसके अंदर की जाली देख सकते हैं, अंदर का टेक्सचर देख सकते हैं, हमारे बड़े जो हैं वो कितने अच्छे बने हैं। बस आप मेरी इन्हीं छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा, आपके बड़े भी बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। अब फटाफट से हम इसको सर्व करेंगे। जब भी आप बड़े सर्व करें तब आपका दही बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जब आप दही के अंदर बड़ों को डालें तब बड़ों को थोड़ा सा निचोड़ कर डालें, क्योंकि आपके बड़ों के अंदर बहुत ही पानी भरा हुआ होगा उस टाइम, इससे कि आपका दही पतला हो सकता है। बस इस तरह से आप दही के अंदर बड़ों को अच्छे से डिप कर दें और ऊपर से फिर से आप इसके ऊपर दही डालें। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये ग्रीन चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। उसके ऊपर अब हम ऐड करेंगे ये रेड चटनी। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इसके ऊपर अपनी पसंद से चीज़ें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। फाइनली हम इसमें ऐड करने वाले हैं भुना हुआ जीरा पाउडर, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और दही बड़ों के साथ इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके दही बड़े खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।